फ्लाइट तो डिले हो चुकी है और हमें आप टाइम किल कर रहे हैं। आपको ना दाद देनी पड़ेगी क्योंकि एम्प्लॉयज से पहले तो हम यहाँ पे आ गए हैं। एक ट्रिप अभी एंड नहीं हुई, हम घर पहुँचे नहीं है, दूसरे की पहले प्लानिंग हो चुकी है। फ्लाइट जैसे बड़े 16 घंटे की है, सात समुद्र पार यूएस जा रहे हैं हम। सो गाइज वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, सबको सलाम नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज आज का डे 3 है हमारा शिरडी ट्रिप का, बहुत ही अच्छा जा रहा है और आज हमारा साइनिंग ऑफ है, यहाँ से हमें जाना है। तो थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलने वाले हैं, उससे पहले पैकिंग चल रही है ऊपर, क्योंकि मैं थोड़ा सा नीचे वॉक करने आ गया था, मैं रेडी हो गया था पहले ही, तो ऊपर पैकिंग हो रही है, चाय पीते हैं नीचे आके। और मैंने सुनने में आया कि यहाँ पे ना फूड पैकेट भी मिलता है, प्रसाद मिलता है ब्रेकफास्ट, तो वो भी खाएंगे। पूड़ी मिलती है, उसमें मीठा मिलता है, उसमें मोठ की दाल होती है, तो वो खाते हैं। उसके बाद कैब आ जाएगी हमारी, तो फिर हम सीधा एयरपोर्ट चलेंगे और जाके सीधा एडोरा से मिलेंगे। ठीक है, सो गाइस पैकिंग हो रही है, ऑलमोस्ट पैकिंग हो भी चुकी है हमारी, बस थोड़ी देर में निकलना है और अभी नीचे चलते हैं यार, चाय वाय पी लेते हैं, बिस्किट विस्किट खा लेते हैं। वैसे हमारा जो डे स्टार्ट होता है ना वो 1 बजे होता है, बट यहाँ पे यहाँ की वाइब ये लगे यार, मैजिकल वाइब है। तो हम यहाँ सुबह उठ गए 7:30 बजे और सुबह ही भूख लग गई है, इनफैक्ट रात को भी खाया था, तो आगे खाना। सो गाइज लेट्स से गुड बाय टू दिस लवली प्लेस यार, डिवाइन प्लेस। बाबा जी से हम यही कहते हैं कि बाबा जी हमें दोबारा बुलाए, हम दोबारा आएंगे और दोबारा यहाँ पर आके दर्शन करेंगे, बहुत अच्छा लगा। तो अभी चलते हैं नीचे, 11 बजे हमारा डिपार्चर है और अभी बज रहे हैं 7:30, तो क्या हम थोड़ा जल्दी नहीं उठ गए ऐसा लग रहा है हमें, क्योंकि यहाँ से जो एयरपोर्ट भी है ना वो सिर्फ 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। भीड़ तो बहुत सारी दीदी है, अभी टाइम तो लग ही जाएगा। यही मैनेजमेंट बता रही थी शालू के, टाइम टाइम जल्दी देखो, यहाँ टाइम लग रहा है। फाइनली चाय मिल गई हमें, आराम से मिल गई, कोई दिक्कत नहीं थी। लाइन देखने दिखने की है, साइन साइन बोलिए और चाय को प्राप्त करिए। और तो कुछ नहीं खाना। अच्छा, ये क्वेश्चन हम अपने आप से पूछो, जो इतनी भूख लग रही है, वड़ा पाव बंद हो गया, ये बंद हो गया। मैंने सोचा महाराष्ट्र आए तो वड़ा पाव ना खाएं तो कैसे जाएगा। खाएंगे, जाने से पहले आपको खिलाऊंगा। हम भी थोड़ा सा टेस्ट तो कर ही सकते हैं यार, अभी तो हमारी कैब लेट आएगी, थोड़ा सा 20 मिनट है, 20 मिनट है अभी। हेलो, कमाल का है ना यार, बहुत टेस्टी है दीदी। तो गाइस ये प्रसाद मिलता है, ये पूड़ी मिलती है आपको, ये एक मीठा मिलता है और ये दाल मिलती है। ये पैक्ड होता है फूड, कैसा है ये देखो गाइस, ये होता है फूड पैक्ड होता है और ये सिर्फ 5 रुपए का है। चलो ऑल सेट टू गो, रेडी? बिल्कुल, चलो चलें यार। बस आ ही रहा है ड्राइवर, बाहर आ चुके हैं वैसे। चलो गाइस प्रसाद बहुत ही टेस्टी था यार, बहुत ही अच्छा लगा। और एक पैकेट तो मैंने कहा कि इसको खोलो मत यार, रास्ते में मन करेगा तो वो खा लेंगे, तो पैकेट रख लिया है। और इस पवित्र प्लेस को हम साइनिंग ऑफ कर रहे हैं, यही मैं विश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम आए तो और भी फैमिली मेम्बर्स आए, दिव्या भी आए, मम्मी पापा सारे आए और सारे यहाँ पे दर्शन लें साईं महाराज के। तो गाइस कैब आ चुकी है, अब निकल रहे हैं हम फटाफट टूवर्ड्स एयरपोर्ट। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं एडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अभी बहुत टाइम है हमारे पास। मैंने इनको बोला ही था कि हम टाइमली पहुंच जाएंगे, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है यहाँ पर। बहुत ही अच्छी जगह यार, मतलब कोई भी नॉइज नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, ना पब्लिक ज़्यादा है, पीसफुल सराउंडिंग, सुकून एकदम, बहुत बढ़िया। गाइज हमें अंदर तो आ चुके हैं बट हमें अपने आप को ना दाद देनी पड़ेगी क्योंकि एम्प्लॉयज से पहले तो हम यहाँ पे आ गए हैं। सारे ही सारे काउंटर सभी खाली है, अभी कोई भी नहीं आया हुआ। देखो मैं सुबह से मैनेजमेंट की बात कर रही थी तो आज हम टाइम पर आ गए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस अच्छा तो लगेगा क्योंकि यार यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का व्यू बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, बहुत क्यूट सा एयरपोर्ट, क्यूट सा है, बहुत कॉम्पैक्ट है, बड़ा क्यूट है। कम से कम अभी टेक ऑफ से 1.5 घंटे पहले यहाँ पे बैठे हुए हैं आराम से। तुम जाके चाय वाय पी लो, फिर मुझे उसमें बोलोगे, फ्लाइट में मुझे भूख लग रही है। फ्लाइट जैसे बड़े 16 घंटे की है, सात समुद्र पार यूएस जा रहे हैं हम। ये जो व्यू है ना, ये ऐसा लग रहा है कि आप कितने बड़े मतलब कंट्री में गए और वहाँ का एयरपोर्ट है, एक बार बाहर देखो, वाओ क्या बात है। हाँ ये ऐसा तो लग रहा है, जय साईं राम, जय प्यारा सा है ना, बहुत प्यारा सा है ये। यार देखो फ्लाइट तो डिले हो चुकी है और हमें टाइम किल कर रहा था, तो हम टाइम किल करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या है, पेट भर लो, तो हम पेट भरवाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। ये वड़ा पाव ले लेते हैं, वड़ा पाव लेना है यहाँ की स्पेशलिटी नहीं, या ये वेजिटेबल सैंडविच या वो चीज। फाइनली हमारी फ्लाइट आ गई है और आप जो इमोशनल हो रहे हैं ना, मैं आपको समझ रहा हूँ, एडोरा से बहुत जल्द मिलने वाले हैं हम। बहुत जल्द मिलने। सो गाइज नाउ इट्स द फाइनल गुड बाय टू शिरडी साईं बाबा महाराज, बहुत मजा आया। फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई बट इट्स ओके, बट ओवरऑल एक्सीलेंट
एक्सपीरियंस, और यही मैं विश कर रहा हूँ कि वंस अगेन वापस आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, एंटायर फैमिली के साथ आएंगे। अभी फ्लाइट बोर्ड करते हैं और निकलते हैं यार, बाय बाय। Hours later. Finally आ गए हम लोग दिल्ली. Finally landed. Yes, finally. आ गए जी. चलो. चलो. कैब सर्च करें हम. आप कैब सर्च करो, बिल्कुल. अब कोई भी सबर नहीं हो रहा शुन्ना से मिलने का बिल्कुल. बिल्कुल. इट्स सो टायरिंग, अब बस वेट कर रहे हैं शुना से मिलने के लिए। सबसे पहले कैब कर लेते हैं, अभी तो कैब में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कैब बुक करते हैं फिर चलते हैं शुना के पास। आप मुझे कह रहे हो कि यहाँ का तो वेदर ही चेंज हो गया है, इतनी कौन सी ठंड हो गई, हमको दो महीने बाद आ रहे हैं। मैं कह रही हूँ कैब बुक कर लो। कैब बस करते हैं, कैब में कितनी देर लग जाएगी, कैब तो यहाँ लाइन लगी होंगी। पर हम ऑल आई एम एक्साइटेड, ऑल आई एम एक्साइटेड टू हग माई एडोरा शुना बेटा बहुत जल्दी। और इट वॉज अ वेरी गुड ट्रिप यार, मतलब बहुत मजा आ गया, इनक्रेडिबल। कुछ खाना है आपने? भैया बिल्कुल भी नहीं, खाएंगे अब तभी जब एडोरा से मिलेंगे, एडोरा से मिलने के बाद ही खाएंगे अब। ओके चलो ठीक है, बिल्कुल। वैसे तो यहाँ पे बहुत कुछ है खाने को, बट हम नहीं खा रहे हैं, हम घर पे घर का खाना खाएंगे, दो दिन से नहीं खाया। घर का देसी हमारा बना हुआ है, देसी घी डाल के बना हुआ है, इतने प्यार से बना हुआ है, तो हम वो खाएंगे ना यार। चलो घर पे देखते हैं, घर का खाते हैं। You know what guys? एक ट्रिप अभी एंड नहीं हुई, हम घर पहुंचे नहीं है, दूसरे की पहले प्लानिंग हो चुकी है भाई। ऐसे ही होता है सीरियसली, दूसरे की भी प्लानिंग हो चुकी है, और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करोगे और फॉलो करोगे। और जो होने वाली ना ट्रिप वो भी बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, वादियों में। चलो जी, कैब भी हमारी जो है बुक हो गई है, यहाँ पे ना पिलर नंबर 4 है ना, वहाँ से लेफ्ट लेना है। हाँ, वो एक्चुअली उबर और ओला पॉइंट है, तो सारी कैब वगैरह वहीं पर ही आती है। आगे आगे वहाँ पे आ रही है, बस वेट करो आप लोग। अरे आ गई आ गई, बस हमें वेट है शुन्ना से मिलने का बस। पैदल ही जाएंगे हम घर वापस, भैया इतने अंदर खड़े हुए हैं। अगली बार से अपनी ही गाड़ी लाएंगे। So guys, finally we have reached home, मज़ा आ गया। और सबसे पहले जो रिएक्शन देखना ना, वो देखना है एडोरा का। शालू चुपके से अंदर गई है और रिएक्शन देखते हैं अभी। चलो देखो, ये देखो, ये देखो, आए मेरा बच्चा डोला, आया पापा, पापा आ गए, मम्मा आ गई, शालू की मम्मी आ गई, ले नानी भी आ गई, सारे आ गए, आए मेरा बच्चा। कर रहे थे उसको मिलने दे, बिल्कुल मत रोकियो उसको। अच्छा 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 अच्छा, क्या कर रही थी? अच्छा तुमने माइक गिरा दिया।